जितने ग्राम, जितने ग्राम ये अभी थे हवा में, अभी उतनी ही ग्राम अभी भी हवा है, लेकिन जितनी आयतन अभी हवा है उससे ज्यादा आयतन अब हवा है। अब ये बताओ प्रश्न, इस हवा का घनत्व और इस हवा का घनत्व कौन ज्यादा है, कौन कम है? घनत्व, द्रव्यमान बराबर है, जितना ग्राम यहाँ है उतना ही ग्राम यहाँ है, वहां नहीं। इस हवा का, इस हवा का जो तौले, अगर हम तौल पाए तो इस हवा का जितना ग्राम है, इस वाली हवा का जितना ग्राम है, इस वाली हवा का भी उतना ही ग्राम है। मैंने न तो इसमें से हवा को निकलने दिया, न हवा को आने दिया, आयतन बढ़ा है लेकिन उसके कण नहीं बदले। इसमें जितने कण थे, लेकिन सर जितने पहले था वो ज्यादा हो, सुनो जितने ऑक्सीजन इसमें पहले था उतना ही ऑक्सीजन अभी भी, ऑक्सीजन के जितने अणु पहले थे ऑक्सीजन के उतने ही अणु, नाइट्रोजन के जितने अणु पहले थे जब हमने खींच दिया तभी उतने ही अणु है, इसलिए द्रव्यमान नहीं बदला, उतने ही ग्राम, लेकिन आयतन बढ़ गया तो द्रव्यमान उतना ही रहे, आयतन बढ़ जाए भाग लगाओगे तो क्या होगा, द्रव्यमान उतना ही रहे और आयतन में बढ़ा दूं, बड़ी चीज से भाग लगाओ कम हो जाएगा ना, जो हम लोग हल्की भारी ये सब बोलते रहते हैं वो हम घनत्व की बात कर रहे हैं। तो जिसका घनत्व कम होता है, अगर द्रव है और ठोस है तो जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर, हाँ वाली नहीं, वही हवा, हाँ ये मैक्सिमम इतना तक इसका आयतन बना सकते हैं, है ना। तो अब पानी पे फिर से आ जाते हैं, पानी में और तैरने वाली चीज में आ जाते हैं सर, ओके। पानी है और कुछ उसमें तैर रहा है, राइट। तो हमने कल जो बात की थी उसको हम दोहरा दें फिर से, अभी शुरू में भी दोहराया था, ये वस्तु जितना लिक्विड हटाती है, क्यों